Creatum, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee, know he is also one with every other. आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माथुर साहब के लिए मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है. आज 16 अक्टूबर टुडे 16th ऑफ अक्टूबर 7th ISP सैटरडे एट 7:30 PM नाउ इंडियन सेक्शन इनवाइट्स यू टू अटेंड स्पेशल लेक्चर इन हिंदी द लॉज ऑफ द हायर लाइफ उच्च जीवन के नियम. हम अभी राजीव माथुर साहब से सुनेंगे जो कि सेक्रेटरी दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन के इस जूम मीटिंग पर. श्री राजीव माथुर साहब 1986 से चौहान लॉज के मेंबर हैं. बाद में फिर वो ट्रांसफर होकर दिल्ली आ गए. रिटायर्ड ऑन सुपर नेशन फ्रॉम द पंजाब नेशनल बैंक इन 2020 एज सीनियर मैनेजर. प्रेजेंटली सेक्रेटरी दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन. आल्सो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट ऑफ शंकर लॉज दिल्ली. तो माथुर साहब का स्वागत है और आज हमें एक बहुत अच्छे टॉपिक पर हिंदी में अपना टॉक देंगे. द लॉज ऑफ हायर लाइफ उच्च जीवन के नियम. परम आदरणीय श्री राजीव माथुर साहब. धन्यवाद नरवरे जी. आवाज आ रही है? जी सर. जी जी जी. मैं इंडियन सेक्शन और प्रदीप महापात्रा जी का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे अपने थॉट शेयर करने के लिए आमंत्रण किया, और ब्रदर नरवरे जी का भी जो आज के हॉस्ट हैं. ये हमारा टॉक जो है ये लॉज ऑफ हायर लाइफ एनी बेसेंट जी की बुक के ऊपर आधारित है. उच्च जीवन या आध्यात्मिक जीवन हम कह सकते हैं, उसके नियम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. यह महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन जो आज हम करने जा रहे हैं उन विचारशील और तत्पर लोगों के लिए है जो मानवता की सेवा करना चाहते हैं और मानव जाति के विकास में सहायता करना चाहते हैं. इस संदर्भ में मैं 13th स्टेप यानी 13वां सीढ़ी जो है गोल्डन स्टेयर स्वर्ण सोपान की, उसको उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें मानव जाति की प्रगति और पूर्णता के आदेश पर के आदर्श पर सॉरी निरंतर ध्यान रखना, जिसे गुप्त विज्ञान दर्शाता है, ये हम सब लोगों का लक्ष्य है और इसके बारे में ही ये टॉक अभी हम लोग ले रहे हैं. अब यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि उच्च जीवन या आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है. ये है भौतिक दृश्य जगत को छोड़कर और सभी जगत के बारे में यहाँ पे चर्चा की लिए हम जानेंगे और आगे हम और विस्तार में इसके बारे में जानेंगे. मगर यहाँ पे हम ये समझ लें कि सिर्फ भौतिक या दृश्य जगत को छोड़कर बाकी जो भी जगत हैं उनके बारे में ये हायर लाइफ या उच्च जीवन आध्यात्मिक जीवन की बात की जाए. अब ये पहला प्रश्न यहाँ पे उठता है, क्या आध्यात्मिक या उच्च जीवन कानून या नियम के अधीन है? ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि कॉस्मोस में सारा व्यवस्था जो है वो डिवाइन प्लान के अनुसार ही चलती, यहाँ कुछ भी डिसऑर्डरली नहीं है. कोई भी चीज बिना नियम के नहीं है. हम जानते हैं कि यहाँ पे सभ्यताएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, अलग अलग, जैसे लेम्यूरिया थे, एटलांटिस, ये सभ्यताएं बनी और बन के समाप्त हो गई. जहाँ कहीं समुद्र होते हैं वहां पे जमीन निकल आती है कभी, और कभी वहां पे समुद्र आ जाते हैं, और ऐसे ही भौगोलिक संरचनाएं हजारों लाखों साल में धीरे धीरे बदलती रहती. कहीं ज्वालामुखी आ जाते हैं तो कहीं भूकंप आते रहते हैं,
ऐसा बराबर चलता रहता है और हम ये देखते हैं कि ये सतत प्रक्रिया है और बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस भौतिक जगत में होता है, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर उसके नेचर में अचानक पूरा बदलाव आ जाता है। जैसे अंगुलीमाल का उदाहरण लिया जा सकता है, बुद्ध के सामने अंगुलीमाल का नेचर पूरा बदल गया जबकि वो कितना दुर्दांत डाकू था। तो यहाँ पे भी हम ये जाने कि सब नियम के अंतर्गत ही होता है। यह समझा जा सकता है कि उच्च या आध्यात्मिक जगत में भी भौतिक जगत की ही तरह सुप्रीम लाइफ है जो कि अनंत डाइवर्सिटीज विविधताओं में प्रकट होती है। यह अपने कार्यों में पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित है, चाहे यह हमें कितना ही अद्भुत लगता है, अजीब लगता है या अप्रत्याशित हो सकता है। अब हम यह समझने की कोशिश करें कि जो इसका दूसरा पार्ट है, नियम की बात कर रहे हैं या कानून की बात हो रही है, ये क्या है। दुनिया में जो हम कानून जानते हैं, लॉ ऑफ लैंड जिसको कहते हैं, दुनियावी कानून या कृत्रिम नियम, ये हमेशा बदलने वाली चीज। हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये चाहे सम्राट का आदेश हो, चाहे विधानसभा, राज्यसभा, संसद या किसी संप्रभुता की घोषणा हो, नियम बनाए जाते हैं, आदेश जारी किए जाते हैं, कानून बनाने वाला इसे बदल सकता है और समाप्त भी कर सकता है। और ऐसे ही ये जो कानून है, नियम है, ये आदेश के रूप में होते हैं और आदेश में कहा जाता है कि यह करो या यह ना करो और आदेश दंड के द्वारा लागू किए जाते हैं। अब हम ये समझें, अगर कहा जाता है यह करो का अर्थ है कि अगर वो नहीं किया जाएगा तो दंड पड़ेगा इंसान को, और जो ना करने को कहा गया अगर वो इंसान करता है तो भी दंड का प्रावधान होता है और दंड को तोड़ने पर सजा मिलती है। हम विभिन्न देशों में कानून या उनसे जुड़े हुए सजाओं का जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ही तरह के आदेश के उल्लंघन के लिए दंड या सजाएं जो निर्धारित की गई हैं वे भी देश काल व नियम के अनुरूप हैं और उनमें कोई भी एक रूपता नहीं है जिससे कि कानून तोड़ा गया है। इसे हम समझ सकते हैं क्योंकि उदाहरण के लिए चोरी का दंड एक देश में जेल की सजा होती है, दूसरे में कोड़ों की सजा हो सकती है, तीसरे में हाथ काट देना और चौथे में फांसी की सजा या अन्य सजाएं भी हो सकती है। तो ऐसा है, ये हमारा जो मैन मेड लॉज या कृत्रिम नियम है। मगर जब हम नेचुरल लॉ की बात करते हैं, प्राकृतिक या नैसर्गिक नियम की बात करते हैं, तो उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता। जैसा हम जानते हैं ये देश और काल पर आधारित नहीं होते, इनको कोई अथॉरिटी बनाती नहीं है और ना ही कोई इनके साथ आदेश जोड़ा होता है और कोई सजा का प्रावधान भी नहीं होता है। जैसे हम देखें एक लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें, वो चाहे यूएसए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे ये हजारों साल पहले की बात हो, चाहे आज की हो, चाहे फ्यूचर में हम इस घटना को देखें, तो ये जो नेचुरल लॉ है, जैसे ग्रेविटेशन लॉ की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आता। ये प्राकृतिक या नैसर्गिक जो नियम है, इनमें सिर्फ परिस्थितियों का कथन होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित घटना घटित होती है। ये एक अनुक्रम, अपरिवर्तनीय और अडिग नियम की घोषणा है। प्रकृति का नियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आदेश नहीं है कि यह करो या ना करो, यह एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके अनुसार यदि ऐसी परिस्थितियां होंगी तो यह परिणाम होगा, यदि परिस्थितियां बदली तो परिणाम भी बदलेगा। जैसा हमने अभी बोला कि प्रकृति के नियम के साथ कोई दंड जुड़ा नहीं है, तो परिस्थितियों के अनुरूप परिणाम अवश्यम भावी है, जो प्रकृति के नियम है वहां पे कोई दंड नहीं है, मगर अगर परिस्थितियां जो भी हैं उसके अनुसार परिणाम आएगा ही। इसको व्यवस्था को आगे देखते हैं, दुनियावी या मनुष्य के नियम को तोड़ा जा सकता है परंतु प्रकृति के किसी भी नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। प्रकृति के नियमों का कभी कोई उल्लंघन नहीं होता। जैसे हम देखें
एक पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल जाता है या एक निश्चित तापमान पे बर्फ बन जाता है। और ऐसे ही हम देखते हैं प्रत्येक पदार्थ तत्व या धातु एक निश्चित टेम्परेचर पे द्रव बन जाते हैं और एक निश्चित टेम्परेचर पे वो गैस भी बन जाते हैं। ये सारे नियम हैं जो कि हम इस दुनिया में साइंस में जानते हैं। ऐसे ही हम देख लें फायर का अपना नियम है। अब अगर हम लोग सबलाइम वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे लव, विजडम, कंपैशन, इस सब के भी अपने अपने नियम हैं। जब हम प्रकृतिक नियमों की बात करते हैं तो उनके साथ कार्य करने में हमें पूर्ण सुरक्षा है, अनंत शक्ति मिलती है, असीम संभावनाओं की अनुभूति होती है। आप परिणाम की पूर्ण निश्चिंतताओं के साथ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता में विश्व में एक नियम और एक जीवन ही है, जो हम थियोसॉफी में कहते हैं एक लाइफ वन लाइफ है, एक ही लाइफ है और एक ही जीवन है। लेकिन नैसर्गिक नियमों के साथ शांति व सुरक्षा के साथ कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान। अगर हमें ज्ञान है तो हम सृष्टि के जो नियम है उनके साथ कार्य करेंगे तो हमारे सारे प्लान सफल हो सकते हैं, नहीं तो हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। आशाओं को ये बर्बाद कर देती है हम, क्योंकि जो डिवाइन प्लान है अगर उसके अनुसार हमारे प्लान नहीं है तो नियमों का ज्ञान होना आवश्यक। यही हमारा सेवक, सहायक और उत्थानकर्ता बन जाते हैं नियम। अगर हम देखें एनी बेसेंट ने कोटेशन दिया है कि नेचर इज कॉन्कर्ड बाय ओबीडियंस, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। इसको गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए कि प्रकृति पर अधिकारिता से ही विजय प्राप्त की जा सकती। अब हम अन्य प्राकृतिक नियमों को भी देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। अभी एक ही इलेक्ट्रिसिटी है और हम चाहें तो इसको फ्रिज में भेजते हैं तो पानी मतलब हम ठंडा कर लेते हैं हर चीज को। इसको ही हम हीटर में भेजते हैं तो हीटिंग हो जाती है। अलग अलग रूप में जब हम उसको बल्ब में भेजते हैं तो ये प्रकाश देता है। इलेक्ट्रिसिटी एक ही है और हमने उसका इस्तेमाल करके साइंस के द्वारा उसको जाना और हमने उसका क्या नाम है यूज किया ह्यूमैनिटी के लिए। अतः हम नियम को जानें और उसका पालन करें और ये हमको असीम शक्ति के साथ ऊपर उठाता है और हमारे लक्ष्य तक हमें ले जा सकता है। ऐसा ही अन्य सभी ताकतों या बलों के साथ है, चाहे वे उच्च जगत की हों या निम्न जगत की, दृश्यमान हों या अदृश्य, हम नियमों को जानें और लक्ष्य तक पहुंचे। अब हम लार्जर कॉन्शियसनेस या बड़ी चेतना के बारे में ध्यान देंगे। इसे दो दृष्टिकोणों से जाना जा सकता है, एक पूर्व के परिचित दृष्टिकोण से जो ईस्टर्न दृष्टिकोण है जिसके द्वारा भीतर से चेतना का अध्ययन किया जाता है और जो चेतना को शरीर में काम करते हुए चेतना की लोएस्ट मैनिफेस्टेशन के रूप में जानता है, जो कि चेतना का एक बाहरी और लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन है। पाश्चात्य मनोविज्ञान भौतिक तल से शुरू होकर पहले उपाधि बॉडी का अध्ययन करते हैं और फिर उसमें चेतना धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ती है। पाश्चात्य मनोविज्ञान ने भी पाया है कि मनुष्य के पास एक नहीं बल्कि कई चेतनाएं हैं। पूर्वी मनोविज्ञान में हम एक चेतना के साथ कार्य करते हैं, एक नियम के साथ कार्य करते हैं जो कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शरीर को आकार देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम यह जाने कि कैसे उच्च चेतना की आवश्यकता के अनुसार शरीर को आकार दिया जा सकता है। धीरे धीरे उन्हें परिष्कृत मॉडिफाई किया करके उन्हें उच्चतर हायर के नियंत्रण में लाकर, इसलिए ध्यान को साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहां एक व्यक्ति बहुत तेजी से प्रगति करना चाहता है वहां जंगल में जाना और अस्थायी रूप से निचली दुनिया से अपने को अलग करना आसान था। मन की एकाग्रता से इसे परिष्कृत किया जा सकता है और इसे उच्च हायर ध्यान में लगाया जा सकता है। उच्च सा हायर सेल्फ पर अपने को स्थापित करने के लिए आत्म अनुशासन का रास्ता है, जिसमें शरीर की पवित्रता, शुद्धिकरण, नियंत्रण करना है। आपको शरीर का नियंत्रण, उसे उचित नींद, उचित व्यायाम और उचित भोजन देकर करना होगा।
ताकि उसे स्वस्थ रखा जा सके और शरीर को किसी भी अति या एक्सट्रीम से बचाया जा सके। ये सब हम लोग जानते हैं। योगी अति उत्तम रूप से संवेदनशील होता है। शरीर को नियंत्रित व शुद्ध करने के बाद हमें इसे उच्च कंपनों के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसको करने के लिए हमें निम्न वर्ल्ड में, लोअर वर्ल्ड में अपनी रुचि खो देनी चाहिए और बाहरी जगत से हमें पूरी तरह से वैराग्य हो जाना चाहिए। जैसा कि हम एट द फीट ऑफ द मास्टर में देखते हैं, जब आप संसार के निम्नतर वस्तुओं से प्रेम करते हैं तो उच्च चेतना इस उपाधि शरीर को वाहन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। वन पॉइंटेड डिवोशन सुप्रीम के साथ हमारा एकाकार होना चाहिए। साथ ही साथ बुद्धि, इंटेलेक्ट और भावनाओं का बुद्धिमत्ता के साथ विकास करना चाहिए इस दिशा में चलने के लिए। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हमें उच्च चेतना को पृथ्वी पर मैनिफेस्ट करना। इस संदर्भ में हम आई के तैमनी जी की पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म को जीवन में उतारें तो हम इसको अच्छे से अपने साथ उच्च जीवन में अपने को स्थापित कर सकेंगे। हमें जीवन में शुद्ध, दयालु एवं कोमल होना चाहिए। हमें अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति में, कुरूप हो या सुंदर, निम्न में हो या उच्च में, पौधे में हो चाहे देवता में, किसी में भी उसी आत्मा, उसी हायर सेल्फ को देखना है। वह जो हर चीज में आत्मा को देखता है और आत्मा में सब कुछ देखता है, वह वास्तव में सब कुछ देखता है। अब हम कर्तव्य के नियम की बात करेंगे। यह समझ सकते हैं हम कि मनुष्य का अपने आचरण को कैसे करना चाहिए ताकि उसमें उच्चतर जो हायर चेतना अपनी सारी शक्ति के साथ प्रकट हो सके, ये हमारा लक्ष्य है। हम इस तैयारी की अलग पूरी शक्ति के साथ ये हमारे अंदर प्रकट हो जाए और इसलिए हम तैयारी की अलग अलग स्थितियों को देखना चाहते हैं और यह महसूस करना चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक क्या कर सकता है। अब हम जिस स्थिति में हैं वहां से उस डिवाइन अनफोल्डमेंट के लिए अपने को तैयार करने के लिए, जिससे कि चेतना धीरे धीरे बड़ी हो सके, जो हम में से प्रत्येक के भीतर बढ़ तो रही है। यहाँ चेतना को एक कली बड की तरह बताया गया है जो धीरे धीरे फूल बनकर खिलेगी और उसके लिए हमें प्रयास करने। यहाँ पर अब हम पहले समझें कि उच्च जीवन, हायर लाइफ का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है व्यापक अर्थों में इस भौतिक जगत से ऊपर जीवन की सभी मैनिफेस्टेशंस को इससे दर्शाया गया है। इसमें सारी दुनिया शामिल है जो इस भौतिक दुनिया की आंखों के लिए अदृश्य विभिन्न जगत हैं, जैसे कि भूवर लोक, मानसिक लोक, बुद्धिक लोक, आत्मिक लोक इत्यादि, जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में है इस दृश्य भौतिक जगत को छोड़। अब हमारा अगला शब्द है आध्यात्मिक। इस आध्यात्मिक शब्द से हमारा यहाँ क्या तात्पर्य है ये हम जानते हैं। ये उच्च जीवन की हम बात कर रहे हैं। ये सभी मैनिफेस्टेशंस में आवश्यक रूप से आध्यात्मिक नहीं है, हमें जानने की आवश्यकता है। यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं, हम जाने, एक चेतना और एक चेतना का एम्बॉडीमेंट, अर्थात एक जीवन और एक रूप, इसको लाइफ एंड फॉर्म भी कहा गया है। कॉन्शियसनेस एम्बॉडीमेंट इसके या इसका वैकल्प या एनकेसमेंट, इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कांच का ग्लास है और वो एम्बॉडीमेंट है या वो शरीर है, वो रूप है, और उसके अंदर जो पानी है वो जीवन है, वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है। तो चेतना या ये लाइफ जिस भी शरीर में या जिस भी बॉडी में रखा जाता है उसके हिसाब से अपने को शेप कर ले, मगर हमने हर स्थिति में सिर्फ चेतना या कॉन्शियसनेस या लाइफ के ऊपर ध्यान देना है। ये आध्यात्मिकता है जिसकी यहाँ बात की जा रही है। यह हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि हम सिर्फ कॉन्शियसनेस, चेतना को ही ध्यान में रखेंगे
और उसको ही देखेंगे, नहीं तो हम गलती करेंगे और हम ठीक से साधन का चुनाव नहीं करेंगे जिसके द्वारा आध्यात्मिक विकास हो सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूप का जीवन जिसकी फॉर्म की बात करें, लाइफ ऑफ फॉर्म है, ये निम्न जगत में हो या उच्च जगत, जैसे कि ये खनिज वर्ग की है या वनस्पति जगत की है, पशु जगत है या मनुष्य जगत है या देवलोक है, कोई भी वर्ल्ड है वहां पे ये दोनों ही हैं। एक व्यक्ति, ऐसा कहा जा सकता है, भूवर लोक, एस्ट्रल प्लेन या मानसिक लोक की स्थितियों को विकसित कर ले जिससे वो अंतरिक्ष में दूर तक ब्रह्मांड यूनिवर्स को देख सकता है, वे देवताओं के गाने सुन सकता है, स्वर की चैंटिंग सुन सकता है। ये सभी असाधारण है परंतु यह सभी क्षण भंगुर। ये बात को हम समझ लें कि जो फॉर्म है वो ट्रांजिटरी है, इट हैज टू चेंज, और ये शाश्वत नहीं है। कोई भी रूप आध्यात्मिक और शाश्वत नहीं है। फिर अध्यात्म क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ चेतना का जीवन है जो एकता, यूनिटी को पहचानता है। अब यहाँ पे वननेस की जो हम बात कर रहे हैं, वही यूनिटी हमको हरेक के अंदर उस आत्मा को देखना है और आत्मा में ही हरेक को देखना है, यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक जीवन वह जीवन है जो अनंत घटनाओं को देखते हुए, माया को परत दर परत ढूंढते छेदते हुए, प्रत्येक बदलते रूप के भीतर एक और एक शाश्वत वन और इटर्नल को ही देखता है। आत्मा को जानना, हायर सेल्फ से प्रेम करना और हायर सेल्फ को पहचानना, सिर्फ यही आध्यात्मिक है। बाकी सब अज्ञान है, वह सभी जो नॉन स्पिरिचुअल है। जब आप एक बार इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप असाधारण नहीं बल्कि वास्तविक चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आत्मा के जीवन को चुनने के लिए जो उच्चतम जगत में आ गए, फलस्वरूप आप आत्मा के जीवन को विकसित करने के लिए तत्पर होंगे। आप नियम के ज्ञान अर्थात नॉलेज ऑफ लॉ जो चेतना को प्रकट करने में आपको सक्षम बनाए, ताकि वह हर जगह सभी चेतना ऑल कॉन्शियसनेस के साथ अपनी एकता यूनिटी को पहचान सके, क्योंकि वहां वननेस है, वहां यूनिटी है, वहां हम सब एक हैं, और हम इसको हर स्टेज पे कॉन्शियसनेस की जान सकें। हर रूप हर जगह हमको जो है सिर्फ वननेस ही देखनी है और लाइफ या कॉन्शियसनेस की वननेस के साथ ही कृत्य करना। अब प्रश्न होता है कि हम इस आत्मा को कैसे पहचान सकते हैं या हायर सेल्फ में कैसे देख सकते हैं, ताकि हम हर चीजों में इस दुनिया की चकाचौंध के बीच कार्य कर सकें। जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है इसे प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है कर्तव्य का नियम अर्थात बोध होना, और हम ये समझें कि कर्तव्य का नियम वह पहला सत्य क्यों है जिसके पालन करने से मनुष्य को जो करना चाहिए वह आध्यात्मिक जीवन में उसको ऊपर उठाता रहता है, उसको ऊपर उठाता है। हमारे चारों ओर ऐसे प्राणी हैं जो उच्च दुनिया में से संबंधित हैं परंतु वे आध्यात्मिक नहीं, जो प्रकृति को सक्रिय करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार पदार्थ को शेप देते हैं, अद्भुत शक्ति वाले असाधारण प्राणी जो हमारे चारों ओर दुनिया को घेरे हुए हैं, कुछ उत्क्रांति एवोल्यूशन की दिशा में मदद करने वाले हैं, जो नेक विचार और उच्च प्रयास और प्रेरक हैं, और इसके अलावा एक दूसरे भी हैं जो विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं लेकिन जो मनुष्य की प्रगति में बाधा डालने और उसे भ्रमित करने का प्रयास कर। यहाँ हम जानते हैं कि दो तरीके के फोर्सेस हैं, एक डार्क फोर्सेस और एक व्हाइट फोर्स। जो व्हाइट फोर्सेस है वो तो हमें एवोल्यूशन की दिशा में ले ही जाते हैं, परंतु जो डार्क फोर्सेस हैं वो हमारे अंदर परसिवियरेंस लाते हैं, हमारे अंदर एक भावना लाते हैं कि हम उनका मुकाबला डट के करते हैं डार्क फोर्सेस का, क्योंकि वो हमको आगे नहीं बढ़ने देते, तो उससे ही हमारे अंदर शक्ति बनती है। तो इनका भी बहुत अच्छा रोल है ये हम जाने। ये दोनों पक्ष ईश्वरीय मैनिफेस्टेशन के, क्योंकि अंधेरे के बिना ना तो प्रकाश हो सकता है
ना ही प्रतिरोध के बिना प्रगति हो सकती। इसके खिलाफ काम करने वाली ताकत के बिना कोई विकास नहीं होता है। यह वो शक्ति है जो विकास के विरुद्ध कार्य करती है तथा जो प्रगति को स्थिरता प्रदान करती है। मनुष्य के उच्च विकास को संभव बनाती है। हालांकि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम सामान्य त्रुटि में ना पड़ें और दोनों के कार्यों से भ्रमित भी ना हो। उच्च जगत की शक्तियां और ये सत्ताएं जो विकास को आगे बढ़ाने में मदद करती, जो हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देती हैं, उत्थान में मदद करती हैं तथा शुद्ध करती हैं। ये तो व्हाइट फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जो हमें लिफ्ट करती हैं, प्यूरिफाई करती हैं, वे स्पष्टतया श्रद्धा की पात्र और अब उनके चरणों में सुरक्षित रूप से चल सकते। परंतु जो अन्य शक्तियां हैं, जो डार्क फोर्सेस हैं, वे भी हमारे मित्रवत हैं। जहां तक हम उनका विरोध और मुकाबला करते हैं, वे हमारी मदद तभी कर सकते हैं जब हम उनके खिलाफ प्रयासरत रहें, तब वो हमें आध्यात्मिक रूप से पुष्ट करते हैं। लेकिन विकास के द्वारा हम उनके क्षेत्र में जो सफलता अर्जित करते हैं, वह उस शक्ति में निहित है जिसके द्वारा हम उनका मुकाबला करते हैं। और संघर्ष में विकसित हुई ताकत हमें एवोल्यूशन में आगे बढ़ाती है। अब प्रश्न उठता है कि पथिक अपना मार्ग कैसे चुने और उस परीक्षा को जाने जिससे वह एक दूसरे से अलग समझ सके, यानी डार्क फोर्स कहाँ है और व्हाइट फोर्सेस कहाँ है। व्हाइट फोर्सेस को हमने जैसे बात करी, उसका सम्मान करना है, और डार्क फोर्सेस भी हमको हेल्प करती हैं तो उनको भी हमने समझ। इसको हम कर्तव्य के द्वारा ही जान सकते हैं, और ये जो डिवाइन सेल्फ है उसको अपने अंदर देखें और अपने अंदर अंतःकरण की आवाज को सुने, अपने अंदर कॉन्शियंस को जाने और अपने कर्तव्य का सम्मान करें। यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेना चाहेंगे, हम में से ज्यादातर लोगों को इसका पता ही होगा। राजा हरिश्चंद्र त्रेता युग में हुए हैं, उनका हम जीवन का उदाहरण लें कि कैसे कैसे मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र जी को दान में दे दिया और उसके बाद भी उनकी पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे तक को बेचा, अंत में उन्होंने अपने को भी बेचा तो भी उसके बाद जो है उनकी पूर्ति नहीं हुई और विश्वामित्र जी क्रुद्ध ही रहे। अंत में स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनको बताया कि नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तो ये परीक्षाएं इस तरीके की होती। जब हम कर्तव्य के मार्ग पे चलते हैं तो ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, और ये लोग कितने बड़े बड़े उदाहरण हम उनके ले सकते हैं, बहुत महान थे ये लोग। अब ऐसे ही हम देखें युधिष्ठिर के साथ हुआ कि अंत में वो स्वर्ग लोक जाना चाहते थे तो उनके भाइयों की डेथ हो गई थी, पत्नी की डेथ हो गई थी, तो एक कुत्ता उनके साथ था, उन्होंने कहा मैं कुत्ते को भी साथ लेके जाऊंगा। तो कुत्ता स्वयं भगवान बन के आए थे तो उन्होंने इंद्र को मना कर दिया कि मैं अकेले स्वर्ग लोक में नहीं जाऊंगा इसको लिए बगैर। तो ये उनकी परीक्षा थी, अंत में पाया गया कि भगवान स्वयं कुत्ते के रूप में उनके पास आए। ऐसे ही हम देखते हैं दैत्यों के राजा बलि का त्याग, उन्होंने क्या किया जब उनको भगवान वामन विष्णु अवतार लेके और आए तो उन्होंने 3 पग जमीन मांगी राजा बलि से। राजा बलि ने देने का संकल्प कर लिया और उन्होंने 1 पग में पूरी जमीन यानी धरती नाप ली और 1 में पूरा आकाश। अब 3रा पग कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए राजा बलि स्वयं लेट गए और उन्होंने अपने शरीर के ऊपर कहा कि मेरी छाती के ऊपर 3रा पग रखा जाएगा। तो इस तरीके से वहां पे उन्होंने अपना त्याग बताया कि कैसे करा जाता है, और तब वहां पे ये पता चला कि उनकी परीक्षा हो रही थी और इवन गुरु तक ने उनके जो दैत्यों के राजा बलि थे उनका त्याग कर दिया था कि नहीं तुम जो है क्या नाम है भगवान विष्णु तुमसे छल कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो। तो हम देखें कि कैसे कैसे हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत होते हैं जब हम कर्तव्य के पथ पे चलते हैं। कर्तव्य का नियम यही है
ये पग पग पर बदलता रहता है। एक शिक्षक का कर्तव्य अलग है, हम देखते हैं राजा का कर्तव्य अलग है, व्यापारी का कर्तव्य अलग है, योद्धा का कर्तव्य अलग है। अब कभी कभी जब हम कर्तव्यों पे चलते हैं तो हमें टकराव दिखता है कि हम ये करें या ये ना करें, और ऐसी जगह पे बहुत गहरे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, वहां पे अर्जुन को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर्तव्य है मेरा। अर्थात हम देखें कि हमारी परीक्षाएं कैसे होती हैं जब हम इस कर्म पथ में आते हैं और ड्यूटीज का पालन करते हैं। तो उच्चतर जीवन की कठिनाइयां हमारे अंदर विकसित चेतना की परीक्षाएं हैं और हमको आगे बढ़ाती हैं। इसमें हमको कभी कभी हमसे चूक भी हो सकती है। तो एनी बेसेंट जी का कहना है कि वहां पे हम अगर गलती कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, अब आगे हम फिर से जो है अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम इस पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं और हम धीरे धीरे जो है इससे अपने इस लोक से उठते जाते हैं। कर्तव्य के नियम का पालन करने के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं, वो है त्याग का नियम। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि मनुष्य जिस अनुपात में अपनी इंद्रियों को शांत करता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है, उसी अनुपात में वह अपने को उच्चतर चेतना के रूप में अनुभव करता है। हमने यह भी जाना कि वह उच्च जीवन की प्राप्ति की दिशा में उसी अनुपात में बढ़ता है जितना वह कर्तव्य के नियमों का पालन करता है, क्योंकि वह निश्चित रूप से दृढ़ता के साथ अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए तैयार रहता है। अब हम एक और उच्च क्षेत्र में उठने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कर्तव्य का नियम का अभ्यास करने के बाद त्याग का नियम उसे चेतना की ऊंचाइयों पर ले जाता है और उसे परमात्मा डिविनिटी के साथ एक होने में सक्षम बनाता है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जिसमें हम रहते हैं हर जगह त्याग देखने को मिलता है, और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि यह ब्रह्मांड जिसमें हम स्वयं रहते हैं वह लोगों के त्याग के कार्य में ही दिखता है, उसी से संभव हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाएं उत्पन्न कर, लोगोस ने, ब्रह्म, इतने हाई बीइंग्स ने अपनी सीमाएं निर्धारित कर ली और अपने को त्याग किया, तभी हमारे सामने ये दुनिया प्रकट। इस बारे में सभी धर्मों में केवल एक ही शिक्षा दी जाती है कि मैनिफेस्टेशन ईश्वरीय त्याग के कार्य से ही शुरू हुआ। इस त्याग की प्रकृति को हम तत्व को पदार्थ की सीमाओं में बंधते हुए देखते हैं। वो तत्व, वो इसेंस पदार्थ की सीमाओं में बंध जाता है। ये जो बिना शर्त है उसको शर्त के आवरण में देखते हैं, बंधन मुक्त को बंधनों से बंधा हुआ देखते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की अभिव्यक्ति केवल इन्हीं सीमाओं में संभव है। जब महान शिक्षकों ने विकासशील जीवात्मा को शिक्षा देने के दौरान बताया कि जीवन केवल लेने से ही नहीं बल्कि त्याग से जीवित रहता है, जो आपने पहले ही अप्रोप्रिएट कर लिया है, अर्थात जितना ज्यादा से ज्यादा हम ग्रैबिंग करते हैं उससे हम मैटेरियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं और हम जो है प्रवृत्ति मार्ग पे होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के बाद एक ट्रांजिशन का पॉइंट आता है, हम सब जानते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में हम ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, मैटर को लेते जाते हैं, जो कुछ भी मिल जाए सब ग्रैब करते हैं, परंतु ट्रांजिशन के पॉइंट में एक ड्यूटी शुरू होती है कि जितना हम लेते हैं सिर्फ उसके बराबर हमको देना ही देना है। तो ये कर्तव्य की बात आ जाती है। इसके बाद हम ट्रांजिशन पॉइंट के बाद अपर स्लैब में जाते हैं, जिसको कहा जाता है उत्क्रांति, जिसको निवृत्ति मार्ग कहा गया है। तो उस निवृत्ति मार्ग की बात की जा रही है, वहां ही त्याग है और उससे ही हम जीते हैं। यह सोचना एक गलती है कि आप जी सकते हैं, विकसित हो सकते हैं अन्य रूपों को एब्जॉर्ब करके जो आपके इर्द गिर्द, ताकि आप अपना अस्तित्व बना रख सकें।
सारा विश्व परस्पर निर्भरता के नियम से बंधा हुआ है, इंटरडिपेंडेंस के नियम से हम सब बंधे हैं। आपसी आदान प्रदान के आधार पर पारस्परिक निर्भरता के तथ्य की मान्यता से सभी जीवित चीजें मौजूद, सभी जीवन की एक सोने की जंजीर गोल्डन चेन से बंधा हुआ है, और वह सोने की जंजीर त्याग का नियम, ना कि लोभ ग्रास्पिंग का नियम। ब्रह्मांड सर्वोच्च त्याग सुप्रीम सेक्रीफाइस के कार्य से ही उत्पन्न हुआ है, जैसा अभी हमने समझा है, और केवल त्याग के निरंतर नवीनीकरण के द्वारा ही यह संरक्षित किया जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि यह संसार त्याग न करने वालों के लिए नहीं है, अन्यों की तो बात ही नहीं है, हे पुरुषेश। अध्याय 4 सूत्र 31। मनुष्य इस दुनिया में रह भी नहीं सकता सिवाय इसके कि वह त्याग का कार्य करे। जीवन का घूमने वाला पहिया यानी रिवॉल्विंग व्हील ऑफ लाइफ तब तक चल ही नहीं सकता जब तक प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक जीवित प्राणी त्याग के कार्य द्वारा इसे चलाने में मदद न करे। त्याग से ही जीवन की रक्षा होती है और त्याग में ही सभी विकास निहित हैं। हम महान गुरुओं को त्याग के कार्यों पर जोर देते हुए देखते हैं, क्योंकि यह समझाया गया है कि त्याग के कार्यों पर आधारित जीवन का पहिया घूमता रहता है, जो हमारे लिए हमेशा अच्छी चीजें लाता है। इस प्रकार हम हिंदू रीति रिवाजों में प्रसिद्ध 5 त्यागों का महत्व देखते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में 5 सेक्रीफाइसेस कहे गए हैं, जिनमें वे त्याग भी शामिल हैं जो दुनिया में सभी प्राणियों के जीवन के उचित रख रखाव के लिए आवश्यक। इनमें पहला नियम है देवों के प्रति त्याग, सेक्रीफाइस टू देवास। हम सीखते हैं कि अदृश्य दुनिया के साथ हमारे संबंध केवल देवताओं के लिए त्याग से ही संरक्षित किए जा सकते हैं, जिसमें हम पहचानते हैं कि हम उन्हें देते हैं अर्थात देवताओं को, और वे हमें देते हैं। इस तरह एक दूसरे का पोषण होता है और हम सब अच्छा फल पाते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 सूत्र 11। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं, जो दूसरा सेक्रीफाइस है, ऋषियों ज्ञानियों के लिए त्याग। ये त्याग अध्ययन करके चुकाया जाता, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, ये इससे ही चुकाया जाता है, क्योंकि हम अध्ययन से सिखाने के लिए सीखते हैं। हम उस ज्ञान को, उस विजडम को भी शेयर करना है हमने, ये आवश्यक है, और इस प्रकार हम ज्ञान के उत्तराधिकार को बनाए रखते हैं और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सौंपते रहते हैं। तीसरा त्याग है पितरों के प्रति त्याग, सेक्रीफाइस टू एल्डर्स। अब हम ये देखें कि जैसे हम पितरों से हमने इस को लिया था, जैसे हम आए थे वैसे ही हम दुनिया को छोड़ के जाएं दूसरों के लिए। पूर्वजों के प्रति त्याग के फलस्वरूप हमें इस बात को स्वीकारते हुए कि जैसा हमने अतीत से पाया था हमें ठीक वैसा ही या उससे अच्छा भविष्य को देकर कर्ज मुक्त होना है। अब हम इसको कितना कर पाते हैं ये हम देखें। चौथा त्याग है मानवता के प्रति त्याग, सेक्रीफाइस टू ह्यूमैनिटी। हम मानवता के प्रति कर्ज चुकाना सीखते हैं। हमें प्रतिदिन कम से कम एक आदमी को खाना खिलाना, एक भूखे भिखारी को खाना खिलाने में हम खुद को हर मानव जीवन में महसूस करते हैं, और इस तरह उस एक गरीब को खिलाकर हम मानवता को पोषित करते। पांचवा और अंतिम त्याग जो है वो है सेक्रीफाइस टू एनिमल, पशुओं के प्रति त्याग। हम जानवरों के प्रति त्याग सीखते हैं और हम कुछ पशुओं को प्रतिदिन खिलाते हैं। इस प्रकार हम इस त्याग से पशु जगत का पोषण करते हैं। अब अगला कदम है कि जो हमने त्याग किया है या जो कार्य किया है उसको भी त्याग दें हम, और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जो हमने कर्म किए उसके फल को भी त्यागना आवश्यक है। जैसे कि हम देखें, हम लोग भारत समाज पूजा में करते हैं और अंत में
शब्द बोलते हैं तत् तत् ब्रह्मार्पणमस्तु, अर्थात जो भी हमने पाया है या जो भी हमको फल है वो भी ब्रह्म को समर्पित कर देते हैं। ये आवश्यक है, ये निवृत्ति मार्ग है और इसका त्याग ही आध्यात्मिकता की सीढ़ी या पहचान है जिस पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ज्ञान के त्याग से हम सभी प्राणियों को स्वयं में और इस पर ईश्वर देखना सीखते हैं। यही निवृत्ति मार्ग अर्थात वापसी का मार्ग है, यही वह पाठ है जो विकासशील मानव को सीखना है। अब वह कर्म के फल का त्याग तो करने की कोशिश कर रहा है, आसक्तियों को समाप्त कर रहा है और इसका परिणाम होता है कि फल के प्रति आसक्ति दूर हो जाती है, वैराग्य उसे पकड़ लेता है। अभी पहले हम वैराग्य लेने की कोशिश कर रहे थे, अब वैराग्य उसे पकड़ लेता है, वैराग्य उस पर विजय प्राप्त कर लेता है और वह अपने आप को शून्य में लटका हुआ पाता है। अब एक अवस्था आती है, उसने प्रवृत्ति मार्ग की सारी उत्तेजना खो दी, उसे अभी तक निवृत्ति मार्ग का प्रोत्साहन या प्रेरणा नहीं मिली, वो एक गुल्फ ऑफ नथिंगनेस कह सकते हैं इसमें आ जाता है कि नीचे की दुनिया से तो संपर्क टूट गया और ऊपर की दुनिया से अभी हो नहीं पाया, जिसको हम लोग त्रिशंकु की स्थिति भी कहते हैं। अब वह शून्य में बीच में हवा में लटका हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उसका भी ऊपर या ऊपरी जगत से पूरी तरह संबंध बना नहीं है, नीचे की दुनिया से संपर्क टूट गया है। तो हम इसको समझ सकते हैं, इस स्थिति में क्या करना है, यह आंतरिक जीवन की परीक्षा है। आप उच्चतर को तब तक छू नहीं सकते जब तक आप निम्न की पकड़ को पूरी तरह खो नहीं देते, ये आवश्यक है, पूरी तरह खो देना है। मगर हम करते हैं थोड़ा सा बचा के रखते हैं, जब हम थोड़ा सा बचा के रखते हैं तो ना तो हम इस जगत के होते हैं ना हम उस जगत के हो पा रहे हैं, ये हमको अच्छे से जानना है। उच्चतर हायर को सुरक्षित हो जाता है इस जीवन को छोड़कर, जिससे हम जानते हैं अनंत जीवन हमें अपना बना लेता है। अगर हम जब पूर्ण रूप से नीचे छोड़ सकते हैं, ये गुल्फ ऑफ नथिंगनेस को हम छोड़ के ही ऊपर जा सकते हैं, उन अनंत जीवन हमें अपना बना लेता है। उन सभी का ऐसा अनुभव है जो अतीत में आध्यात्मिक जीवन तक पहुंच गए हैं। इसलिए जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो हमेशा बलि के साथ जाता है या अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। बलि या त्याग ईंधन क्या है, इसमें हर चीज है जो कि रूप जीवन से संबंधित है, लोअर सेल्फ को पूरी तरीके से वो समाप्त कर देगा तभी वो आगे जा पाएगा। यही त्याग का नियम है कि आत्मा का जीवन देने में है, लेने में नहीं। रूप सीमित है, जीवन असीमित है। जिस अनुपात में हम अपने आप को जो कुछ भी हमारे पास है उससे खाली कर देते हैं, वहां डिवाइन फुलनेस हमारे अंदर फ्लो करती है, या हम जगह बनाते हैं कि डिवाइन फुलनेस फ्लो कर सकती है, हमें पहले की तुलना में अधिक भर देती है। और इसलिए निवृत्ति मार्ग का स्वर त्याग है, त्याग जीवन का रहस्य है, क्योंकि लेते जाना फॉर्म का रूप है और छोड़ते जाना जीवन का रहस्य है। जैसे जैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि शरीर का एकमात्र मूल्य उच्चतर हायर चैनल होना है, अर्थात हमको चैनल बनना है डिविनिटी का। यही बात बार बार एट द फीट ऑफ द मास्टर में भी कही गई है और जहां भी कहीं हम देखें हमारे थियोसॉफिकल लिटरेचर में इसको बहुत अच्छे से कहा। उस जीवन का एक उपकरण बनना है, वह धीरे धीरे सभी विचारों से ऊपर उठता है, एकता के विचार को छोड़कर अपने आप को महसूस करता है। उस महान पीड़ित दुनिया का हिस्सा तब उसे लगता है कि मानवता के दुख उसके दुख, सारी ह्यूमैनिटी के जो भी दुख हैं वो उसके दुख हैं, जो पाप है मानवता के उसके हैं, जो पुण्य है, जो खुशी है किसी की भी वो उसका अपनी खुशी है, कोई भी दुख किसी का है वो उसका अपना दुख। इस तरह हम शाश्वत में रह सकते। और जो इंसान मतभेद देखता है यानी डिफरेंसेस देखता है वो इसी में पड़ा रहता है, यानी इसी जगत में जो मतभेद देखते हैं वे मृत्यु से मृत्यु तक जाते हैं, यह श्रुति का कहना है। जो व्यक्ति अंतर देखता है वह वास्तव में लगातार मर रहा है, क्योंकि वह उस रूप में जी रहा है जो हर पल छह समाप्त हो रहा है, और इसलिए मृत्यु है ना कि आत्मा में जो कि जीवन।
यही फाइनल वर्ड है, ऋषियों ने जो विजडम हमें बताया है यही फाइनल वर्ड है, इससे कम कुछ भी आध्यात्मिकता नहीं है, इससे कम कुछ भी विजडम नहीं है, यही वास्तविक जीवन है जिसे हमें अपनाना है। इसे कैसे अपना बनाएं? केवल जीवन की छोटी छोटी बातों में त्याग के दैनिक कार्यों, केवल हर विचार हर शब्द और क्रिया में एकता को जीने से और प्यार करने के लिए सीख कर, केवल बोलने के लिए नहीं, ये लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए। हर अवसर पर हमारे आसपास जो भी है, क्या हम उसके लिए कितना कर पा रहे हैं, ये अपने देख, अपने आप को अंतिम और दूसरे को पहले रखना, ये हमेशा की निवृत्ति मार्ग में चीज है कि हम अपने को लास्ट में रखें और दूसरे को पहला रखें, दूसरे की आवश्यकताओं को देखें और उसकी सप्लाई का प्रयास करें, लोअर नेचर के प्रति अपने उदासीन रहें, इसे पेशेंट धैर्य के साथ अथक प्रयास के अलावा कोई रास्ता नहीं। यह घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन, साल दर साल, जब तक हम पहाड़ की चोटियों जैसे परिश्रम न किए जाएं, तब तक हम इस तक नहीं पहुंच सकते। हम जिन महात्माओं की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने पिछले सैकड़ों जन्मों में बार बार त्याग से ये निर्मित किया था। ऐसा मत सोचिएगा कि जब वे निर्वाण के दहलीज पर खड़े थे केवल तब महान त्याग किया। काफी लोग ऐसा सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वे अंतिम क्षण में कुछ कर भी नहीं सकते। जब चॉइस दी जाती है, तब इस ब्रह्मांड में अगर उनके असंख्य त्याग रजिस्टर नहीं हुए, रिकॉर्ड नहीं हुए, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एनी बेसेंट जी कहती हैं कि यदि हम चाहें तो आज से महान त्याग करना शुरू कर सकते, और यदि हम इसे अपने दैनिक जीवन में शुरू नहीं करते और साथियों के साथ अपने आवरली व्यवहार में, हर मूवमेंट टू मूवमेंट में नहीं लाते, तब तक हम पहाड़ की चोटी पर खड़े होंगे, अर्थात पेनल्टीमेट पॉइंट पर होंगे, तब हम यह त्याग नहीं कर पाएंगे। दैनिक त्याग की आदत, सोचने की आदत, हमेशा देने की और न लेने की आदत, तभी हम करना सीखेंगे जिसे बाहरी दुनिया महान त्याग है। हम सोचते हैं कि शिष्यता का जीवन उन जबरदस्त परीक्षणों में होता है जिसके लिए शिष्य अपने को तैयार करता है, फिर एक सर्वोच्च त्याग के प्रयास से एक बहादुर द्वारा संघर्ष जीत का ताज हासिल किया जाता है। एनी बेसेंट जी कह रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एक पॉइंट पे पहुंच गए और हम जो है त्याग कर दिया और हम सुप्रीम सेक्रीफाइस या बलिदान कर दिया और हम मतलब अमर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये बात कह रहे हैं, डिसाइपलशिप एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस की लंबी श्रृंखला है, इसमें जीवन के क्षुद्र त्याग बहुत सारे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो हीरो या शहीद हुए हैं ये डिसाइपल से बड़े होते। कोई भी हीरो या शहीद जो है दुनिया में वो डिसाइपल से बड़ा नहीं है, क्योंकि उसको बहुत महान कार्य है, उसको बराबर त्याग करते रहना पड़ रहा है का ये आवश्यक है। शिष्य का जीवन घर में चाहे जहां वो रहता है, शहर में चाहे जहां रहता है, कार्यालय या कुछ भी करता है, हर जगह त्याग का सच्चा जीवन उसको जीना है, उसको अपने को पूरी तरह भूल जाना है, ये आवश्यक है। और ये इतना सामान्य हो जाना चाहिए कि उसको प्रयास ही न करना पड़े त्याग करने के लिए। जिस तरह हम इस जगह जब हम पहुंच जाते हैं, त्याग का जीवन जीते दृढ़ता से दूसरों की आवश्यकताओं का को समझते हुए, अपने आवश्यकताओं का त्याग करते हुए, तो हम एक दिन चोटी पर पहुंच सकते हैं। यही वह शीर्ष है जहां हम सबको पहुंचना है। धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अंत में मैं सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पेशेंट के टॉक को सुना। धन्यवाद। धन्यवाद माथुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जो टॉपिक था आपका उच्च जीवन का नियम, उसको आपने अपने जीवन में, सादगीपूर्ण जीवन में अपनाया और उसको इस बारे में हमको सबको बताया, ये हम सब आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने इसने टॉपिक में सब कुछ ले लिया,
थियोसॉफी का निचोड़ ले लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक घंटे में आपने इतना जो इसको कंसंट्रेट किया है, मानवता को ले लिया और हायर कॉन्शियसनेस के बारे में आपने जो प्रकाश डाला, करते हुए के नियम ले लिए, त्याग का जो एक उदाहरण दिया, ट्रूथफुलनेस पर विस्तृत रूप से उदाहरण दिए, हम सब अभिभूत हैं आपको इस सुनकर। मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने विस्तृत रूप से बताया, आपने राजा हरिश्चंद्र की सत्यता, राजा बलि का त्याग का उदाहरण और हायर जीवन के नियमों को जो बारे में प्रकाश डाला, निश्चित रूप से हम सबके लिए लाभान्वित होगा। तो यही सारे उच्च जीवन का, उसका पालन पोषण करना, यही मोक्ष है और यही कैवल्य मार्ग का, उसकी तरफ जाने का एक रास्ता है। आपने भगवद गीता का भी उदाहरण दिया, सब कुछ निचोड़ ले लिया इसमें, और विशेष रूप से एट द फिट ऑफ द मास्टर, हालांकि इस बुक का आपने नाम नहीं लिया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी एक निचोड़ आपने लिया है, जो कि हम सबके लिए एक आइडियल बुक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस टॉपिक के बारे में किसी को कुछ भी शंका है या क्वेश्चन आंसर है तो कुछ कृपया प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव माथुर साहब। बहुत अच्छा आपने एक सिस्टमेटिक ढंग से समझाया लॉज ऑफ द हायर लाइफ, आध्यात्मिक जीवन के क्या क्या नियम हैं, आउटर वर्ल्ड में क्या नियम है, इन वर्ल्ड में क्या नियम है। त्याग के संबंध में एक दृष्टांत आता है महाभारत से कि सबसे बड़ा त्याग जो है कर्ण का था, जिसने अपना कवच कुंडल तक दे दिया जिसमें उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी, और जी दूसरा त्याग उसने दिया था कि एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया था और वो अपने पुत्र को चंदन की लकड़ी चलाना चाहता था। दूसरे के पास पहुंचा, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो जो लकड़ी है वो गीली है, मैं इसको नहीं, इसको ले जाना चाहो ले जाओ, गीली लकड़ी से कैसे चलेगा। फिर वो कर्ण के पास जाता है, उसके पास भी गीली लकड़ी है बाहर, लेकिन उसके चंदन के दरवाजे थे, उस चंदन के दरवाजे को चीर करके तोड़ करके उस ब्राह्मण को दान करता है। इस प्रकार का जीवन में जो त्याग है ये अनुकरणीय है, हम अपने जीवन में उतारें, हमारा जीवन आपका सबका जीवन धन्य होगा। बस इतना ही मुझे कहना था, धन्यवाद। और कोई लोखंडे साहब, हम सब के आप तो आइडियल हैं और आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, कुछ सुनना राजीव जी का चाहते हैं? एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया रहा, बहुत बहुत लोखंडे साहब धन्यवाद। धन्यवाद थैंक अरविंद जी, आपने भी बहुत अच्छा एलोबरेट किया। यू सर, थैंक यू सो मच। नरवरे नरवरे जी, बहुत दिनों बाद आपको देखा, बहुत जी बहुत जी जी समय प्रणाम आपका सर। कुछ दूसरे काम में बहुत। उलझा हुआ था सर मैं। जी मैं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमेशा सैटरडे शाम को ऐसा प्रिजाइड करिए, सब लोग आपको बिल्कुल इन्वॉल्व। बिल्कुल सर, आप अटेंड रहूंगा सर, अटेंड बिल्कुल। जी सर कमल जी है, कमल जी कुछ बोलेंगे अब, जी कमल थोड़ा रिक्वेस्ट नमस्कार सब। बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया, जैसे कोई अभ्युदय से लेकर और निश्रेष्ठ की पूरी यात्रा आपने करवा दी। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि मतलब आदमी को त्याग करना चाहिए और निवृत्ति के मार्ग से, प्रवृत्ति से लेकर निवृत्ति मार्ग तक पूरा आपने समझा दिया। मैं रिपीट नहीं करूंगी, मतलब ना अरविंद भैया ने सब कह दिया आपको, परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे वेदांत है तो वेदांत में तो साफ कहते हैं कि भाई कर्तव्य, तरबियत और करने का मतलब ये है जब आपको ये लगता है कि आप कर्तव्य कर रहे हैं तो आप बंधन में हैं, और कर्तव्य से कर्तापन से छूट जाते हैं तब आप मतलब जाके और उच्च स्तरीय मतलब पहुंच के चेतना में और जाते हैं, अदरवाइज आप मुक्त हो ही नहीं सकते। तो कर्तव्य और भोक्ता होना और कर्तव्य करना, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लेके क्या आए, हम कौन है आखिर, हमारा क्या है इस दुनिया में। जो कुछ दिया हुआ है वो तो सुपर ने ही दिया और सुपर को ही हम वापस सौंप रहे हैं, ये बहुत सुंदर बात है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम राग द्वेष छोड़ दें, हम निष्काम कामना से काम करें और सुंदर ढंग से मतलब जीवन की प्रस्तुति करें, और वो करें जो करना है और जो नहीं करना है उसे न करें।
बस इतना सहज भाव से करेंगे तो उच्च स्तरीय, ये तो जीवन भर की निरंतर यात्रा है, पता जन्म दर जन्म, तो कब मतलब हम सब सहमित होएंगे, कब हम पूरी तरह से मतलब व्यवस्थित होएंगे, कब पूरी तरह से हम खाली होएंगे और तब वापस हमारे में दिव्यता आएगी। तो ये सारी बातें जो है हमको संयम से ही रहना पड़ेगा, हमको हर चीज को मतलब समझना पड़ेगा कि क्या है असल में। आपने बहुत सुंदर संग से समझाया, सब बहुत अच्छी तरह से बताया, आपने पांच ऋणों को भी बताया कि भाई किस तरीके से हमारी सबके प्रति हमारी मतलब जो मानवता का काम है वो भी हमको करना है, पितरों के प्रति भी करना है, पशु पक्षियों के प्रति भी करना है और गुरु के प्रति भी करना है, ऋषि बनियों के सब मतलब आपने सब बहुत अच्छे ढंग से समझाया और बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। परंतु जो अष्टवक्र गीता कहती है, खासतौर से जनक का और उसका जो संवाद है अष्टवक्र का और जनक का, वो बहुत सुंदर सुना है। साफ बताते हैं कि केवल आप ये सोच लीजिए कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और आप में निष्कामता आ जाती है तो आप बंधन मुक्त है, आप ज्ञान का अर्थ समझ जाते हो तो आप ज्ञान स्वरूप को समझ लोगे। तो सारी बातें मतलब होता है ज्यादा मुझे नहीं कहना, नमस्कार। आपने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, बहुत सुंदर प्रस्तुति, मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम कमल महनोत, बहुत बहुत हमारे मध्य प्रदेश राजस्थान फेडरेशन के अध्यक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास 3 मिनट और हैं और आज के इस बेहतर बहुत अच्छे सुंदर टॉपिक के लिए कोई अच्छा सा क्वेश्चन या कोई इसको ऐड करना चाहे प्लीज प्लीज। महापात्र साहब, ब्रदर महापात्र साहब कुछ आप बोले? नहीं नहीं, आप ठीक है, आप क्लोज करिए, आप क्लोजिंग प्रेयर बोलकर। थैंक यू सर। हम शांति पाठ करेंगे हम सब लोग। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद दोनों को, राजीव जी एंड अरविंद जी। थैंक यू सो मच। सबको मेरा नमस्कार। सो अगेन आवर हिंदी स्पीच विल बी ऑन सैटरडे, कमिंग सैटरडे। कमिंग सैटरडे वेरी इंटरेस्टिंग बुक, हम हिंदी में मैनुअल स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें विभाजी मैन एंड हिज बॉडी तीनों क्लास में वो कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद अरविंद जी कर्म का ऊपर 2 क्लास लेंगे, ऐसे हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो ये है अगले सैटरडे का प्रोग्राम और टुमारो वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आवर नेशनल डायरेक्टर TOS शिव प्रसाद, ही विल गिव ए TOS टॉक इन हाउ TOS इज ए हेल्पिंग सोशली एंड अदर समथिंग। आई विल लिसन टुडे these words, a very thank you to each and every one. Thank you.